नमस्कार, मैं हूं शिल्पी सेन और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए देखते हैं आज की ये खास खबर। बबीना कस्बे के न्यू दशहरा ग्राउंड पर विगत 25 दिसंबर से रॉयल स्पोर्ट एकेडमी बबीना के तत्वाधान में चल रहे स्वर्गीय मनोज सोनी स्मृति क्रिकेट टूर्नामेंट का आज दूसरा सेमीफाइनल टहरौली झांसी और मेहरौनी ललितपुर की टीमों के मध्य खेला गया। दूसरे सेमीफाइनल में मुख्य अतिथि के रूप में MES बबीना के ठेकेदार व समाजसेवी रितेंद्र टंडन मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे, जिन्होंने सर्वप्रथम स्वर्गीय मनोज सोनी के चित्र के समक्ष माल्यार्पण किया। इसके बाद दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करने के उपरांत मैच शुरू कराया। क्रिकेट टूर्नामेंट में विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री महावीर चिल्ड्रन जूनियर हाई स्कूल बबीना के प्रधानाचार्य महेंद्र सिंह चौधरी और झांसी से पधारी वरिष्ठ एडवोकेट श्रीमती रजनी जैन मौजूद रहीं। दूसरा सेमीफाइनल टहरौली जिला झांसी और मेहरौनी जिला ललितपुर की टीमों के मध्य खेला गया, जिसमें टहरौली ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया और निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 160 रन बनाए। दूसरी पारी में मेहरौनी की टीम ने भारी मशक्कत करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 131 रन ही बनाए। इस प्रकार टहरौली की टीम ने 29 रन से दूसरा सेमीफाइनल मैच जीतकर फाइनल में प्रवेश कर लिया। 1 जनवरी 2023 को टहरौली क्रिकेट क्लब का सामना फाइनल मैच में झांसी की 11 स्टार क्रिकेट क्लब से होगा। दोनों ही टीमें काफ़ी मजबूत हैं, इसलिए मैच के रोमांचकारी होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। न्यू दशहरा ग्राउंड की पिच पर शुरू से ही यह देखा गया है कि जिस टीम में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया वही टीम विजेता रही। अब कल देखना यह होगा कि कौन सी टीम टॉस जीतती है, क्योंकि टॉस ही जीत हार का फैसला करेगी। आपको यह भी बता दें कि कल होने वाले फाइनल मैच में बतौर मुख्य अतिथि पूर्व सांसद डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव मौजूद होंगे, जो विजेता और उपविजेता टीमों को अपने हाथों से पुरस्कार वितरित करेंगे। आयोजकों ने बताया कि प्रथम पुरस्कार 11,000 रुपये नकद एवं ट्रॉफी तथा द्वितीय पुरस्कार 5100 रुपये नकद व ट्रॉफी, मैन ऑफ द मैच तथा मैन ऑफ द सीरीज का वितरण किया जाएगा। आयोजकों ने कल का मैच देखने के लिए बबीना के सभी क्रिकेट प्रेमी बंधुओं से विशेष अपील की है। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए बबीना से प्रिंस राज यादव के साथ गौरव कुमार की रिपोर्ट। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और नई खबर की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।